हे व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव टू राइड हिमालयन। थोड़ा सा एंगल, हाँ अभी एंगल सही है। और आज का वीडियो अनबॉक्सिंग वाला है, तो आज ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं रहेगा। ये देखो दो पैकेट्स अपने पास आ चुके हैं, एक फ्लिपकार्ट से है, ये देखो ये फ्लिपकार्ट से है, और ये अमेजोन से, ये देखो अमेजोन से। तो ये दो चीज़ें हैं, दोनों बॉक्सेस में क्या है ये तुरंत बताएंगे, तुरंत मतलब तुरंत बताएंगे। इसके लिए हमें ये खोलना पड़ेगा, तो ये खोलने के लिए बस ऐसे ही फाड़ देंगे जिससे पता चलेगा कि क्या है। ओके, तो ये है फ़ोन का कवर, और अभी इसकी बारी, इसे भी ओपन कर लेते एक बार, ठीक है? नहीं, इसके लिए हमें कुछ लगेगा, जैसे कि कीज से भी हम लोग खोल सकते हैं। तो ये सफारी की कीज, उससे हम खोलेंगे। तो ये रही वो चीज़, तो ये सैमसंग गैलेक्सी M33, और ये इसका कवर, ये देखो ये दोनों। तो ये दो चीज़ें आ चुकी हैं, अभी इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये खुल गया एक साइड का, ये खुल गया दूसरे साइड का। तो अभी इसको ओपन कैसे करेंगे, इसका देखो सील, अभी मैंने जस्ट यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, तो इसका सील एक नंबर यार। तो मैं तो एक्चुअली ऐसे ज़्यादा ऐसे रिव्यूअर टाइप का वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फ़ोन एक नंबर लग रहा है, बहुत बड़ा है। मतलब अभी ये मेरा आईफोन है, ये आईफोन एक्स है, तो आईफोन एक्स और इसके बीच का गैप, मतलब डिफरेंस देखो कितना बड़ा है। तो इतना बड़ा अगर फ़ोन रहेगा तो क्यों नहीं मज़ा आएगा, है कि नहीं? तो अभी फटाफट इसको थोड़ा अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ। तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे सब ऐड करनी होगी, तो फटाफट इसको ओपन कर लेता, फ़ोन चालू कर लेता, फिर इसके फीचर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। और इसमें हमें क्या मिला है, एक फ़ोन, तो इसमें कुछ भी नहीं मिला, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक बॉक्स है, ये देखो डर गया था। इसमें क्या मिला है हमें, एक डेटा केबल टाइप सी टू टाइप सी। अभी ये देखो ये है डेटा केबल, ये दोनों साइड में टाइप सी है। इसका एडाप्टर जो रहता है वो हमें अलग से परचेस करना पड़ता है, तो वो मैंने ऑलरेडी परचेस करके रखा है, तो अभी वो आएगा, उसके बाद फ़ोन हम यूज कर पाएंगे, क्योंकि इसका चार्जर अगर मेरे पास नहीं है तो फिर कुछ काम का नहीं है कि नहीं। चलो, तो ये रहा फ़ोन, इसे अभी कर लेते हैं ओपन। नहीं ऐसे भी नहीं, ऐसे ओपन होगा। ओह माय गॉड, फ़ोन की क्वालिटी आ रही एक नंबर है। देखो ये जो मैट फिनिश है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ऐसे लग रहा है ये। तो अगर ये फ़ोन की अगर बात करनी है, तो सबसे पहले इसका बैटरी बैकअप, जो कि 6000 mAh बैटरी है इसकी, और 6GB रैम और 128GB इसका स्टोरेज है, तो ये बहुत अच्छा है। और इसमें क्या है ना, एक चीज़ है 5G है, तो 5G बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा है। इसका कॉस्ट है 18999, तो ये बहुत अच्छा फ़ोन है ये प्राइस रेंज में। एंड्रॉयड 12.0 और 5nm प्रोसेसर इसका, 6000 mAh बैटरी, पावर कूल टेक्नोलॉजी है, 120 रिफ्रेश रेट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 50 MP रियर कैमरा है। इसका डिस्प्ले का साइज 6.6 inches है, प्रोसेसर ऑक्टाकोर है। तो अगर डिस्प्ले की अगर बात करेंगे तो 6.6 inches फुल HD प्लस LCD स्क्रीन है इसका, 120 Hz रिफ्रेश रेट है, और गोरिल्ला ग्लास 5 है इसमें। अगर ब्राइटनेस के बारे में बात करूँ तो इट्स क्वाइट ब्राइट, ये देखो इतना ब्राइटनेस बहुत है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है। अगर फ्लैश भी अगर यूज़ नहीं करना होगा कहीं कहीं जगह पर, तो डिस्प्ले का उपयोग हम लोग कर सकते हैं एज अ फ्लैश, बट ये देखो ब्राइटनेस, लो वाला ब्राइटनेस भी बहुत अच्छा है, मतलब अगर साइड से अगर कोई देख रहा होगा तो उसे शायद ही दिखे। सामने से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक वाटर ड्रॉप नॉच है, तो वो थोड़ा थोड़ा आउटडेटेड लगता है, आउटडेटेड मतलब अभी जो आ रहे हैं वो छोटे, या तो फिर डिस्प्ले के अंदर ही नॉच आ रहे, तो वो एक है, वो थोड़ा आउटडेटेड लग सकता है। अदरवाइज फ़ोन के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही प्यारा है। साइड में ये आता है वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन, और यहाँ पर उसके नीचे जस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है, और नीचे के साइड एक स्पीकर है, अपना टाइप सी चार्जर है, माइक है, और 3.5 mm वाला जैक है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर दिया हुआ है
सिम ट्रे और मेमोरी कार्ड ट्रे, और यहाँ पर भी एक दिया गया है माइक, जो कि डेडिकेटेड माइक है जिससे विंड नॉइस वगैरह जो भी डिटेक्ट करता है वो यही से कर लेता है। मतलब कोई भी साइड से, अगर ये साइड से भी अगर बात करेंगे, या मतलब रिकॉर्ड करते टाइम अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे, तो ये साइड से भी ऑडियो कैप्चर कर लेगा और ये साइड से भी कर लेगा। और ये ग्लास लग रहा है दिखने में, लेकिन ये ग्लास नहीं, फाइबर है। यहाँ पर चार कैमरे दिए हुए, चार मतलब चार सेंसर्स दिए हुए, और यहाँ पर एक फ्लैश दिया हुआ है। एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है इसमें, और 1 UI 4.1 आता है इसमें, और नॉक्स वर्जन 3.8 आता है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 6000 mAh बैटरी। तो इतनी सारी चीजें है, और ये मैंने फोन इसलिए लिया है क्योंकि अपना जो आईफोन है इसको भी कोई तो पैरेलल फोन चाहिए था, क्योंकि मेरा फोन का कैमरा जो है वो खराब हो गया था। तो ये थोड़ा बेसिक सा फ़ोन, बेसिक सा मतलब अच्छा फ़ोन है। इसमें माइक्रो लेंस वगैरह देखो चार कैमरे दिए, इसमें देखो चार कैमरे दिए हुए, तो चार में से एक तो वाइड एंगल वाला है, एक पोर्ट्रेट वाला है, ऐसे बहुत सारे है, तो वाइड एंगल भी इसमें है। तो अभी फ़िलहाल तो चार्ज नहीं हो रहा है, तो इसे पहले चार्ज कर लेंगे। और इसके साथ हमें मिला है ये कवर, ये कवर इसके साथ मतलब मैंने अलग से परचेस किया है लेकिन ले लिया है क्योंकि फ़ोन है तो कवर भी तो चाहिए। तो ये देखो ये कवर बहुत अच्छा है, ऐसे मुझे साइड में होना पड़ रहा है। तो ये कवर है, अच्छा क्वालिटी है, मतलब ठीक ठाक है, ना भी नहीं बोल सकते और हाँ भी नहीं बोल सकते। इसको ऐसे चढ़ाएंगे तो फ़ोन अच्छा दिख रहा है इसमें। अभी फ़िलहाल के लिए ये कवर है, इसके बाद अभी कवर्स तो बहुत सारे चेंज होते रहेंगे। तो बस इतना ही ये वाले ब्लॉग के लिए, अभी इतना ही रखते हैं। ये वाला अनबॉक्सिंग वाला वीडियो था, इसके लिए छोटा ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा कुछ करके फ़ायदा नहीं है, मतलब सिर्फ फ़ोन का ही रिव्यू है। तो रिव्यू अभी इसका जो रिव्यू है वो आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा स्टे ट्यून। बाकी ये सैमसंग की ओर से फ़ोन है, M33 5G, तो ये फ़ोन अच्छा है मेरे लिए तो भी अच्छा है, क्योंकि इसमें वाइड एंगल वगैरह है तो, और कैमरा अच्छा है इसका, इसके लिए मैंने ये प्रेफर किया, और बैटरी भी इसका अच्छा है। तो बस अभी ये वाले ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते रहेंगे ऐसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, राइड सेफ।